वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरकॉम के बारे में। अनिल अंबानी जी की कंपनी है आरकॉम, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है मंडे को इसमें लोअर सर्किट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे पूरी बात करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा बड़ा झटका है, क्या यहाँ पे न्यूज़ निकल करके आई है, और यहाँ पे आरकॉम का शेयर अभी नीचे गिरा तो कितना गिर सकता है। हालांकि ऐसे शेयरों में यहाँ पे प्रिडिक्ट करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली बड़े बड़े ऑपरेटर ही एक्टिव रहते हैं। फिर भी पिछले लेवल्स के मुकाबले यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तलाश करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ न्यूज़ को पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे। हमें हमें आगे क्या करना चाहिए, जो आरकॉम में निवेश करके बैठा है उसको वो भी बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैं आरकॉम की सिचुएशन आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा। यहाँ पे मैं एक दिन का टाइम फ्रेम में, यहाँ पे जो गुरुवार को उसकी क्लोजिंग हुई थी 2 रुपये पे, 5 पैसे ऊपर बंद हुआ था, 2.5% के अपर सर्किट के साथ यहाँ पे क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही थी। यहाँ पे पिछले एक मंथ की बात करें तो बढ़िया तेजी थी। यहाँ पे आप देखो कि 1.5 रुपये के लगभग लगभग 1.5 रुपये के पास से यहाँ पे हाई बनाता हुआ नजर आया था। लगभग लगभग मैं बात करूं 1 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच उसने 61% के रिटर्न दे दिए थे, और उसने जो हाई बनाया था वो 2.5 रुपये के आसपास का बनाया था। फिर से लोअर सर्किट चालू हो गई थी और फाइनली यहाँ पे 1.90 रुपये के आसपास सपोर्ट लेके फिर से अपर सर्किट देखने को मिल रही है उसमें। मुझे लगता है फिर भी यहाँ पे भले अपर सर्किट चालू हुई है, परंतु न्यूज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, इसके चलते हमें लोअर सर्किट फिर से देखने को मिल सकती है। दोस्तों पहले कारोबार की डिटेल जानेंगे, इसके लिए यहाँ पे मैं आपको NSE की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड मैंने सर्च करके रखा है, 2 रुपये के आसपास क्लोजिंग, मैंने जैसे बताया 5 पैसे ऊपर, 2.5% की अपर सर्किट। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 1.95 रुपये ऊपर होता है 2 रुपये के आसपास, हाई भी 2 रुपये का, लो भी 2 रुपये का, और एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस भी 2 रुपये, क्योंकि पूरे दिन अपर सर्किट पे लोग था। क्वांटिटी की बात करें 33,86,000 शेयर की ट्रेडिंग हुई थी, जिसमें से डिलीवरी भी उतनी है, 33,86,000 परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 100% दिख रही है। उसका कारण एकमात्र है अपर सर्किट। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे कि हाल फिलहाल में उसने रिटर्न कैसे दिए हैं। इसके लिए मैं आपको हमेशा की तरह स्टॉक एज की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे टेक्निकल्स के ऊपर मैं क्लिक मार के आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखे दोस्तों, बात करेंगे 1 वीक की, तो 1 वीक में 10% डाउन है, 1 मंथ में बढ़िया भागा है 25%, 3 मंथ में 5% के पॉजिटिव रिटर्न, लास्ट 6 महीने बहुत बढ़िया बीते हैं, 48% के रिटर्न। उसके पीछे खबर भी थी कि मुकेश अंबानी लीड जियो यहाँ पे उसका रिजोल्यूशन प्लान देने वाले हैं। और इस अलावा बात करूँ तो 2020 भी बढ़िया बीता है, 135% के पॉजिटिव रिटर्न, परंतु लॉन्ग टाइम पे जाओगे तो 2 साल में 85% और 5 साल में लगभग लगभग 98% के आसपास गिरावट दिखाई दे रही है। कंपनी पूरी तरह से बर्बाद है और कंपनी का बिजनेस भी पूरी तरह से ठप है। आगे मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न पे क्लिक कर दी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न लेटेस्ट आपके सामने। 5% के आसपास प्रमोटर की हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास 95% के आसपास की हिस्सेदारी है। FII की बात करें तो 0.2, मतलब कि ना के बराबर हिस्सेदारी। हालांकि DII की ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5% के आसपास की हिस्सेदारी इसमें है। नॉन इंस्टीट्यूशन की बात करें, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर भी शामिल है, उसके पास 90% की हिस्सेदारी है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिस्सेदार कौन है दोस्तों? रिटेल इन्वेस्टर्स और नॉन इंस्टीट्यूशन। तो यही एक रिटेल इन्वेस्टर की खासियत होती है कि जो सबसे पेनी स्टॉक होता है, जो सबसे गिरा हुआ स्टॉक होता है, उसमें ही उसको लगता है कि सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे, और इसी के चलते ही वो अपना पैसा भी सबसे ज़्यादा लूज करता है। यहाँ पे मैं आपको उस न्यूज़ पे लेके जाना चाहूँगा, तो इसके लिए मैं आपको द इकोनॉमिक टाइम्स पे लेके आया हूँ। यहाँ पे देखें दोस्तों, हेडलाइन पढ़ सकते हो, SBI, यूनियन बैंक, IOB मार्क आरकॉम अकाउंट एज अ फ्रॉड। तो दोस्तों इस तीनों बैंक ने यहाँ पे आरकॉम का जो बैंक अकाउंट है उसको एज ए फ्रॉड घोषित कर दिया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका है। झटका किस लिए है वो भी बताने की कोशिश करूंगा, इससे पहले हम पूरी न्यूज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड द इंडियन ओवरसीज बैंक हैव मार्क रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड आरकॉम अकाउंट एज अ फ्रॉड अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग सोर्स। तो यहाँ पे तीनों बैंक ने इसको एज अ फ्रॉड इस अकाउंट को घोषित कर दिया है। इन एडिशनल दैट द SBI एंड द UBI हैव ऑल्सो मार्क रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, मतलब कि RTL अकाउंट एज अ फ्रॉड। तो दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन का तो अकाउंट एज अ फ्रॉड घोषित किया है, साथ ही साथ रिलायंस टेलीकॉम का भी अकाउंट एज अ फ्रॉड के तौर पर घोषित कर दिया है।
आपको बता दूं कि रिलायंस टेलीकॉम 100% सब्सिडरी है आरकॉम की। अनदर आरकॉम सब्सिडरी रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड अकाउंट हैज ऑल्सो बिन मार्क्ड एज अ फोर बाय द एसबीआई। तो दोस्तों तीसरी भी जो कंपनी है रिलायंस इंफ्राटेल, ऑलरेडी उसको एसबीआई ने एज अ फ्रॉड घोषित पहले ही कर दिया था। अभी आपको मैं बता दूं कि एज अ फ्रॉड घोषित करते हैं कोई भी तो उसके बाद उस कंपनी के लिए लोन मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो अभी आगे जा करके कुछ अनिल अंबानी जी को कुछ करना होगा, कुछ लोन वगैरह लेनी होगी, तो उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। मुझे लगता है ये अपने में बिल्कुल भी सही बात नहीं है कि अगर आपका अकाउंट एज अ फ्रॉड घोषित हो जाता है तो आपको लोन मिलना ना के बराबर हो जाता है। द लेटेस्ट मूव बाय द बैंक कम्स ऑफ कपल ऑफ वीक आफ्टर एनसीएलटी मुंबई गिव्स अप्रूवल टू रिलायंस इंफ्राटेल्स रेजोल्यूशन प्लान। तो दोस्तों एनसीएलटी ने यहाँ पे अप्रूवल दे दिया था, जो जैसे कि मैंने बताया कि जियो की तरफ से जो रेजोल्यूशन प्लान घोषित किया था आरकॉम के लिए, उसको अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका था। रिलायंस जियो ग्रुप कंपनी रिलायंस डिजिटल प्लेटफॉर्म सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन प्लान एप्लीकेंट फॉर द रिलायंस इंफ्राटेल। तो जियो ने जो रिलायंस इंफ्राटेल के लिए यहाँ पे खरीदने के लिए जो रेजोल्यूशन प्लान दिया था उसको यहाँ पे सक्सेसफुली अप्रूवल मिल चुका था। इसके तहत यहाँ पे जो अनिल अंबानी जी को 4400 करोड़ के आसपास रकम मिलने वाली थी, जो कि अपने आप में एक पॉजिटिव बात थी। रिलायंस इंफ्राटेल के पास आपको बात करूं तो 43,000 टावर, 1,72,000 किलोमीटर फाइबर नेटवर्क उसके पास है, और पूरा का पूरा बिजनेस यहाँ पे मुकेश अंबानी इसके भाई खरीदने वाले थे। तो दोस्तों यहाँ पे एक तरीके से देखें तो यहाँ पे अनिल अंबानी जी कैसे भी करके यहाँ पे पैसे जुटाने की कोशिश कर रहे थे, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया। एक साथ तीन तीन गवर्नमेंट के बैंक ने यहाँ पे उनके अकाउंट को एज अ फ्रॉड घोषित कर दिया है। तो मुझे लगता है आगे जाकर के और भी ज्यादा मुसीबतें अनिल अंबानी जी की बढ़ सकती है, और इसी के चलते मुझे लगता है लोअर सर्किट मंडे को दिखाई दे तो इतना ज्यादा चौक करना आपको रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तो दोस्तों ऐसे शेयरों में आपको कभी भी इन्वेस्ट करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, पर हाँ अभी आप फंसी चुके हो यहाँ पे खरीदारी करके बैठे ही हो तो आपका आपको एग्जिट करना कहाँ करना चाहिए, या तो फिर कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस होना चाहिए, वो हम चार्ट के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं आपको जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देखें दोस्तों आरकॉम का चार्ट खोल के रखा है। मैं थोड़ा जूम आउट करके थोड़ा बताना चाहूँगा कि यहाँ पे देखें आरकॉम जब लो बना रहा था 60 पैसे के आसपास, उसके बाद बढ़िया तेजी निकल करके आई थी और उसने 3 रुपये के ऊपर का हाई बना दिया था, उसके बाद फिर से गिरावट। और यहाँ पे अभी बात करें हाल फिलहाल की तो उसकी क्लोजिंग जैसे मैंने बताया 2 रुपये के आसपास थी, एकदम लोअर सर्किट चल रही थी और वहाँ से बंद होती हुई पहले ही अपर सर्किट लगी है, और यहाँ पे न्यूज़ ख़राब आ चुकी है। तो फिर से लोअर सर्किट हो सकता है कंटिन्यू हो, मैं बात कर रहा हूँ पॉसिबिलिटी की, किसी भी बात की दोस्तों मार्केट में कोई भी गारंटी नहीं होती। अगर नीचे गिरता है तो 1 रुपये 75 पैसे के आसपास सपोर्ट पिछली बार लिया था तो वहाँ भी ले सकता है, उसके नीचे 1 रुपये 55 पैसे 1 रुपये 35 पैसे के आसपास भी सपोर्ट है, ऊपर की तरफ 2 रुपये 20 पैसे तक अगर ऊपर जाता है तो वहाँ रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, उसके ऊपर 2 रुपये 60 पैसे और 2 रुपये 85 पैसे के आसपास भी रेजिस्टेंस लेवल है। हालांकि दोस्तों ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा हूँ उसका इतना ज़्यादा मायने नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ बेस्ड न्यूज़ ड्रिवन कंपनी है, अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो यहाँ पे लेवल धराशायी भी हो सकते हैं, क्योंकि एकदम न्यूज़ बेस्ड मैंने बताया कि ये कंपनी ड्रिवन है। आरएसए का लेवल 52.94 का है, तो आरएसए का लेवल अभी फ्लैट टेरिटरी में देखने को मिल रहा है। मैं मुझे लगता है आपको फ्रेश पोजीशन बनाने से इसमें बचना चाहिए, और जो कोई भी यहाँ पे फंस चुका है ऊपर के प्राइस में तो उसको अभी नेक्स्ट वीक में प्राइस एक्शन क्या बन रही है, मतलब कि कैसे प्राइस मूव करती है, इस न्यूज़ का कितना असर होता है, उसके ऊपर अपनी स्टडी के बेस के अनुसार डिसीजन लेना है। मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास माल है तो ऊपर की तरफ आपको लेवल मिलते हैं तो आप माल खाली करके इसमें बिल्कुल निकलने की कोशिश करें। इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई भी फ्यूचर है, आपको ऐसी कंपनियों में पोजीशन बनने से बिल्कुल बचना चाहिए। दोस्तों मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ बताना चाहूँगा जिस किसी ने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है उसको भी मेरी तरफ से एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।